सेल सेल सेल, हमारे घर में लगी टेडी वियर की सेल। अगर आपको चाहिए तो कमेंट कीजिए प्लीज, आपको फ्री में आपके घर भिजवाए जाएंगे। फ्री सेल सेल सेल, एक ये रखा हुआ है नींबू डाल के, मिर्ची डाल के आपको देंगे। तो उधर भी तरबूज भी रखा हुआ है जो आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छा है। तो आपको चाहिए तो प्लीज कमेंट कीजिए, सेल सेल सेल, भारी छूट पे मिल रहे हैं टेडी वियर, तो लोगों के घर भिजवाने वाले हैं। ठीक है, पागल हो गया ऐसे क्यों भिजवाएंगे हम, क्यों लोग कमेंट करेंगे तो भिजवा देंगे। मैं तो करवा दूंगी, 1,00,000 कमेंट आएंगे फिर सारे भेज दूंगी मैं एक ही के घर पे जाऊंगी। जो बंदा 1,00,000 कमेंट करेगा उसके घर पे ये 5 आ जाएंगे। ठीक है, तो गाइस जल्दी से कमेंट करो गुड मॉर्निंग। और आज छुट्टी है? आज मेरी छुट्टी है, वैसे मेरी छुट्टी कल थी बट आज ही ले ली मैंने। अच्छा, क्यों आज कोई खास बात है? बस आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है इसलिए मैंने सोचा कि आज ही रेस्ट कर लें। ठीक, अभी पापा चाय बनाने गए हैं, आएंगे तो आपको दिखाते हैं। राम आएंगे तो अंगना से जाऊंगी। तो पापा बनाने गए हैं चाय, तू बोल चाय आएगी तो पी के क्या दौड़ लगाऊंगी, काम करूंगी। तो आप लोग बोलते हो ना कि पापा से चाय बनवाते हो, तो गाइस वो अपनी खुशी से बनाते हैं। ये ऐसा कुछ नहीं है कि मैं बनवा रही हूँ, या वो खुद ही कहते हैं कि सुबह की चाय मैं तुम्हें पिलाऊंगा खुद अपने हाथ से बना के। वो अच्छी बनाते हैं चाय, अभी वो आएंगे तो आप उनसे के मुंह से सुन लीजिएगा, और जो भी उसके साथ खाएंगे वो भी आपको दिखाते हैं। थोड़ी देर में मिलते हैं। आज का रूटीन है, हम कहां आज महेश्वरी का हुक्म है कि हम चलेंगे, थोड़ी सी सेल वेल लगी हुई है मार्केट में, देखकर आते हैं कहां पे क्या आया हुआ है। 50% आया हुआ है बहुत जगह पे, तो एक बार ट्राई करते हैं, कुछ पसंद आएगा तो लेकर। तो पापा चाय लेकर आ गए हैं, गुड मॉर्निंग। अभी तो गाजर बाग है भाई, चाय तो ला रहा हूं। अच्छा, गाजर का हलवा आया है। अब बिस्किट के डब्बे में क्या निकलेगा जरा खोल के देखना। खोल के तो देखो एक बार। नहीं, खाली है। क्या है उसमें? जो जो लोगों का कहना है कि उसमें रस निकलते हैं, सच में रस है क्या उसमें? तो ये जो कल मम्मी ने गाजर पाक बनाया था वो आया है। वैसे मैं तो इतना सारा लेके आया, मीठा तो मैं कहाँ खाऊंगी चाय के साथ, पर टेस्ट करूंगी थोड़ा सा क्योंकि मैंने अभी तक खाया ही नहीं है। और सुबह सुबह ही हमारा राधा कृष्ण शुरू हो गया है, चाय भी आ रही है अभी। लो जी, अभी गाजर पाक हम खा ही रहे थे कि इतने में गर्मा गर्म चाय भी आ चुकी है। यहीं पे पिताजी, आप हमारे कहने पे चाय बनाते हो? अरे बच्चों की सेवा करनी है और क्या? नहीं, आप अपनी मर्जी से बनाते हो या हमारे कहने बनाते हो? तो हम आपको जबरदस्ती किचन में भेजते हैं। नहीं, नहीं, देख लो गाइस, सुन लो, अब मेरे को मत कहना। तो पीते हैं चाय, आ जाओ आप भी पी लो। ये टूटा हुआ कप क्यों है इसमें? हे गाइस, गुड इवनिंग। तो व्लॉग जो है सुबह की चाय के बाद मैं आपको मिल रही हूँ शाम को 6 बजे। एक्चुअली उसके बाद घर के कामों को फिनिश करने के बाद ना मैं दो वापस से नहा के नाश्ता करके सो गई थी, और अब मैं उठी हूँ। सोई तो खैर मैं 4 बजे ही थी, अभी 6 बज गए हैं, तो 6 बजे मैं उठ गई। वैसे मैं कभी नहीं सोती, तो आज बैक पेन की वजह से मुझे नहीं पता मुझे कब नींद आ गई, थकावट हो रखी थी तो मैं सो गई। और अब थोड़ा सा बेटर फील हो रहा है मुझे। अब उठते हैं, उठ के कुछ खाने पीने की तैयारी करते हैं। आज कुछ भी नहीं बनाया, छुट्टी वाला दिन था, कुछ ना कुछ नया करते हैं हमेशा, पर आज कुछ नहीं कर पाए। और अभी देखते हैं शाम को क्या करेंगे, रील्स भी बनानी है मुझे। उठ के थोड़ा सा हिम्मत करती हूँ, रेडी होती हूँ, उसके बाद रील्स शूट करूँगी, कुछ खाने पीने का बनाएंगे, फिर आगे बढ़ेंगे और इस ब्लॉग को कंटिन्यू करते हैं। और ये देख लो, ये इनका क्या हाल हो गया, रंगा बिल्ला जो पापा ने इनके नाम रखे थे कल। तू तो सो गई, दोनों कुश्ती लड़ रहे थे, अकेले बोर हो गए बेचारे। क्या कर रहे थे? ये कुश्ती लड़ रहे थे। ये देख लो इनके हालात, किस हाल में बेचारे पड़े हैं ऊपर एक दूसरे के। बहुत मार पिटाई हुई है इनके साथ, ऐसे लग रहा है। अरे हमारे को मंगाने वाले, आज ही सोई हूँ, वैसे मैं सोती नहीं हूँ। और इधर मम्मी ने जो कपड़े धोए थे, फाइनली आज धूप निकली है, कितने दिनों बाद, तीन चार दिन बाद, तो आज इनको धूप लगी है और आज ये सूख गए हैं। फाइनली अभी अलमारी में जाएंगे फोल्ड होके। तो अब क्या बनाना है देखते हैं, कुछ स्नैक्स, यूट्यूब वीडियो देख रही थी, कोई नया सा शाम का स्नैक्स कोई बढ़िया सा मिल जाए तो ट्राई करेंगे, बनाएंगे कुछ तो बनाएंगे। आज संडे है, कुछ नया ही बनाएंगे। अब खाना तो सॉरी, मेरा तो संडे है ना। मेरी तो छुट्टी होती नहीं संडे को, तो जिस दिन छुट्टी होती संडे ही होता बनाएंगे, बताएंगे। जिस दिन मैं घर होती हूँ ना, उस दिन संडे ही होता है। तो फ्रेंड्स, मैं अभी अलमीराज और अटैचिया खोल रही थी, देख रही थी आज रील किस में बनाऊं।
तो मुझे नजर आया ये जर्सी उसमें ट्रंक में पड़ी हुई थी, कहाँ से लाई है निकाल के? खोल लिया मैंने, ट्रंक में कुछ आर्टिकल सारे उल्टे पुल्टे कराई होगी। एक्चुअली मम्मी ना मेरे सारे कपड़े तो अगर पैक पुक करके रख देती मेरे को पता ही नहीं होता। मैं तो इसलिए रखे थे, कह रही थी ब्लैक डालने ब्लैक डालने। मेरे पास कपड़े कौन कौन से हैं, अटैची को तब याद आता है। ये भी है तो ये वाली वो स्वेटर है गाइस जो मम्मी ने मेरे लिए खुद बनाई हुई है, ये देख सकते हो आप। ये स्वेटर और टॉप है, स्वेटर कम टॉप, ये मम्मी ने खुद बनाया था। बहुत अच्छी फिटिंग आती है और इसकी बहुत, और ये नीस तक आता है और बहुत ही सुंदर बना हुआ, देख सकते हो डबल बटन में इसका डिजाइन है। आप देखो पहन के नेक भी बहुत प्यारा है, तो मैंने सोचा है कि मैं इसी को आज पहन के रील्स बना लूंगी, तो आपको भी लुक भी दिखाऊंगी कैसा लग रहा है ये देखो। और इधर मैंने कुछ और भी निकाल लिया, ये वाला जो कोट है ये मैंने लिया था लास्ट ईयर, ये मैंने अजियो से मंगवाया था। पहनी है इसको कैसा लग? डबल शेड में पहन देते हैं जी। लास्ट ईयर आई थिंक मैंने इसको सर्दियों में मंगवाया, एक एक दो बार ही वेयर किया बस, ज्यादा डला नहीं मेरा। कितने का? 100 रुपए का। अच्छा 100 रुपए का कोट मंगवाती हूँ मैं, 100 रुपए का। ये अच्छा डिस्काउंट पे पड़ गया था, ये आई थिंक 600 या 700 का पड़ गया था अप्रोक्स, तो डबल में है। बताना गाइस आपको कैसा लग रहा है, बहुत अच्छा लगता है ये पहनना हुआ, लेयरिंग वाला है, सूट पे पहनो ठीक है, जींस पे पहनो और कलर भी अच्छा है इसका। इसके साथ लॉन्ग शूज पहनो ना, लॉन्ग शूज के साथ नीचे लेयरिंग करके, वाओ। लेकिन है नहीं मेरे पास, लॉन्ग शूज भी ले लूंगी मैं, जब दूसरे पड़े तो हैं इस कलर के। नहीं वो बूट्स वो छोटे वाले है ना, लॉन्ग वाले चाहिए। और एक ये वाला कोट है, ये भी मेरे पास पड़ा हुआ था अंदर, ये भी मैंने निकाल लिया, थोड़ा हैवी है, ज्यादा सर्दी के लिए है, तो अभी सर्दी, तो अभी तो बीच में कितनी सर्दी, अब क्या आएगी, अब जाने वाली है, अब कह रही आने वाली सर्दी है। आई तो है नहीं, पहले जाने वाली होगी, तो 3-4 दिन अब धूप नहीं। मैंने निकाल लिया है, ये भी सुबह स्टोर जाने के लिए और रात को वापस आने के लिए रख लूंगी, वहां डलता नहीं, वहां बहुत गर्मी लगती है मुझे। और एक है ये वाला टॉप, ये मैं ढूंढ रही थी बहुत दिन से, मुझे पता नहीं कहाँ था, कहाँ था, फाइनली वहां मिला। ये ना गया हुआ था अपने मामा के घर गया हुआ था, ये टॉप मुझे बहुत पसंद है, ये घूमने गया था मम्मा के घर, ये टॉप छुट्टियां मनाने पसंद है, और ये टॉप मुझे फाइनली वहां मिला, मुझे बहुत अच्छा लगता है, ये कल ही पहनूंगी मैं इसके साथ, ये लॉन्ग कोट पहनी अच्छा लगेगा। हाँ तो ये कल ही टॉप ये पहनूंगी और कल स्टोर यही पहन के जाऊंगी। और मैं इसको ढूंढ रही थी, क्रॉप में था, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है, ब्लैक कलर का, इसका लुक कल दिखाऊंगी आपको, बहुत सुंदर है ये। तो ये कुछ कपड़े हैं जो मुझे मिल गए थे, अब मैं किचन में जाती हूं, पहले कुछ तैयारी करते हैं। तो फ्रेंड्स मैं हो गई हूँ रेडी, और आप देख सकते हो मैंने वही वाला स्वेटर वेयर किया है जो मैंने आपको भी दिखाया था, देखो कितनी मस्त फिट है ना इसकी। तो ये मम्मी ने बनाया था मेरे लिए और बहुत ही सुंदर सा है, टॉप है स्वेटर है दोनों ही काम आते हैं ये, तो मैं इसे पहन लिया है, मैं कहा चलो आज इसमें रील्स बनाते हैं, तो रेडी भी हो गई हूँ और चलिए कुछ रील्स शूट कर लेते हैं, उसके बाद आपको मिलते हैं। और रील्स कहाँ मिलेंगी आपको देखने को? इंस्टाग्राम पे, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, यहाँ पर भी मैंशन है, जल्दी से जाकर मुझे फॉलो कर लो, मिलती थोड़ी देर में। दोस्तों जो हमारे रंगा बिल्ला आए थे ना, उनकी हमने प्लेसमेंट कर दी है, एक यहाँ बिठा दिए हैं, एक यहाँ बिठा दिए हैं मस्ती में, तो यहाँ पे सेट कर दिया इनको, तो कैसे लग रहे हैं बताना मुझे। तो फ्रेंड्स मैंने चेंज कर लिया है और मैं डायरेक्टली आ गई हूँ किचन के अंदर, और मैं किचन में बना रही हूँ थोड़े से राइस एक्चुअली रात के पड़े थे, तो वाइट वाले राइस पड़े थे, तो बस मैं उसको तड़का लगा के थोड़ा फ्राई कर लेती हूँ, फ्राइड राइस बना लेती हूँ, ज़्यादा वेजिटेबल्स नहीं डाल रही, सिर्फ प्याज और टमाटर का तड़का लगाऊंगी और चटपटे राइस रेडी हो जाएंगे खाने के लिए। तो तैयारी मैंने कर ली है, बनाते हैं। इधर हमारे प्याज जो है मैं सौते कर रही हूँ, साथ में मैंने टमेटोज निकाल लिए हैं दो, वो मैं इसमें डालूंगी, और साथ में ये रहे हमारे राइस, बस इसको तड़का लगा के अभी तैयार कर देते हैं। तो फ्रेंड्स खाना खा लिया है, खाना खाने के बाद अचानक से बैठे बैठे पापा को एक हरियाणवी जोक याद आ गया, और ऐसा कैसे हो सकता है कि उनको जोक याद आए और आपके साथ शेयर ना करें, तो हो जाए फिर शुरू करें फिर। बात यह है कि एक बंदर बंदर बैठे थे पेड़ पे, अच्छा, और एक उस पेड़ के नीचे एक शेर सो हुआ था, तो बंदरिया बोली बंदर ते अब तू कितना बहादुर है, तो वो बंदर बड़ा बोल के करना, तो बंदर ने बोले नौकर अगर तू है सच्ची बात हो रहा है तो नीचे शेर लौट रहा है ना, इसकी जाके पुंजन में रोड़ दे। अच्छा हाँ, शेर बोला ला, बंदर बोला ला, ये तो बाएं हाथ का काम है मेरे। हाँ। और नीचे गया और शेर की पुंज पड़ के मरोड़ दी भाई, शेर जाग गया, शेर ने देखा वो तेरी बेटी बंदर और इसकी हिम्मत पड़ गई रहा, पर फिर कहता बंदर आगे आगे शेर पीछे पीछे भाग लिया भाई। बंदर गाँव में घुस गया, एक दर्जी की दुकान थी वहां, और दर्जी अपना अखबार पढ़ते पढ़ते छोड़ के कहीं जा रहा था, तो अच्छा। बंदर जाके कुर्सी पे बैठ गया, अनु अखबार आगे कर लिया अपने, अच्छा तो
शेर आया तो बंदर ने ऐसा हवा कर रखा था, शेर बोला हिन सुन सुन दर्जी बैठे है, शेर बोला उस भाई तेरा एक बंदर देख क्या, तो बंदर अखबार के पीछे पीछे से बोल रहा है वो ही बंदर के जो शेर की पुंज मरोड़ के भाग्या है। तो शेर बोला अच्छा रे इतनी जल्दी खबर अखबार में भी छप गई। वेरी फनी।